मैट्रिक में 373,892 छात्र पास, जाने किस श्रेणी में कितने हैं विद्यार्थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी हो गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे जारी किया। मैट्रिक की परीक्षा में इस साल 391,100 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 373,892 विद्यार्थी सफल हुए। इसमें प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्रों की संख्या 225,854 है, जबकि 124,514 छात्र द्वितीय व 23,524 छात्र तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। मैट्रिक परीक्षा परिणाम में लगातार हो रहा है सुधार। आपको बता दें कि बीते 4 सालों में मैट्रिक के परीक्षा परिणाम में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। साल 2018 में 4,28,000 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 59.56% विद्यार्थी ने सफलता पाई थी। उसी तरह 2019 में 70.81%, 2020 में 75.07% और वर्ष 2021 में 95.93% विद्यार्थी सफल हुए। किस कैटेगरी में कितने विद्यार्थी हुए सफल। मैट्रिक परीक्षा में इस साल सामान्य जाति के 261,672 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 95.06% छात्रों ने सफलता पाई। वहीं अनुसूचित जाति के 15,673 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें 95.34% छात्र उत्तीर्ण हुए। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के 42,694 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 96.13% छात्र सफल हुए। पिछड़ी जात से 49,167 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 97.16% विद्यार्थी सफल हुए। अत्यंत पिछड़ी जात से 21,892 छात्रों ने परीक्षा दी और 97.63% विद्यार्थी सफल हुए। 2 टर्म में ली गई थी परीक्षा। आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी। दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jc.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट आर्ट्स व कॉमर्स संकाय का रिजल्ट भी 10 जुलाई तक जारी होने की संभावना है।